ये 5-star AC के अंदर C101 का एरर आ रहा है, ये कम्युनिकेशन का एरर, या तो वायर कटा फटा या लूज होगा कहीं, या नहीं तो वायर अगर ठीक होगा तो आउटडोर का PCB खराब हो सकता है। हर एक ब्रांड के एसियों के कम्युनिकेशन का एरर अलग अलग है, जैसे इसके अंदर C101 आ रहा है, किसी में E1 आता है, किसी में E6 आता है, किसी में CS05 आता है। सबसे पहले इनका पावर कट करेंगे, उनके बाद इनको खोल करके हम और कुछ चेक करेंगे इसके अंदर। इनको परचेज किए हुए लगभग 1.5 साल हुआ है, तो ऑल पार्ट्स वाला वारंटी जो वो खत्म हो चुका है, बाकी एक्स्ट्रा स्पेशल वारंटी जो दिया रहता है, जैसे कि 10 साल का कंप्रेसर पर आता है, किसी किसी 5-star में 5 साल का PCB पर रहता है, तो 5 साल का PCB वाला कन्फर्म नहीं है, लेकिन 10 साल का तो कन्फर्म है कि कंप्रेसर पर रहता ही रहता है। दावे से थोड़ी कुछ खराब हो जाए, दावे से रहती है तरीमो ये इतने पल्ला ने खोले पड़ती है तब, जब दावे से खराब हो पहले दावे से अगर खराब होती है तो इतने तब सेटिंग से ठीक होती है। ये C1 जो थे ना पर चले रहे, लेकिन बुझला ये हर बात नहीं थी, ये कुछ दिन चल रहे बाद बंद मिले, तो हमारा बोले की कहीं दाब दूब करके रहती है तब इतने से ठीक भै जाती। हम तो बोलिए स्कैन तो स्कैन करे छे, स्टेबलाइजर ठीक छे कि ना? नहीं स्टेबलाइजर तो ठीक छे, एसी में नहीं होय छे। ई छे कम्युनिकेशन के बुझला, इंडोर टू आउटडोर जो या तो वायर कटल लेते कतो। यहाँ कनेक्टर के पास देखे कि वायर एकदम पूरा फ्रेश है, कोई रस्ट वस्ट वाला कोई सीन ही नहीं है। अब हम आ गए आउटडोर के पास, आउटडोर को भी एक बार खोल खाल करके देख लेते हैं इनके कनेक्टर के पास क्या स्थिति है। प्लग निकाल लेते हैं, बिना प्लग निकाल ले हम खोल लेते हैं। निकलने वाला नहीं, ऐसे लग रहा है कुछ। इनके वायरों के अंदर कोई प्रॉब्लम तो हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि ना तो कहीं कटा फटा है, ना कोई रस्ट लगा हुआ है कहीं पे भी, एकदम पूरा टूटंच फ्रेश है। तो दो वायर आया है, आउटडोर के भी जैक के पास जो है ढीला करके फिर से कसे हैं वायर को, फ्रेश करके मतलब अगर मान लीजिए कि उसके थिम्बल पर कुछ लगा रहेगा तो खोचारने के बाद तो हट न जाएगा, कसे हैं फिर से एक बार, जा रहे हैं फिर से लाइन दे करके देख लेते हैं, चले तो ठीक है, नहीं तो फिर आउटडोर का PCB खोल करके देखेंगे। किधर है रिमोट साउंड? रिमोट साउंड, रिमोट साउंड एक बार फिर से ये एरर सो होने लगा, जो कुछ भी किए उसका कोई असर नहीं पड़ा, जैसे कहते से। सोचे कि इस आउटडोर को खोल करके इनके PCB को देख लेते हैं कि क्या PCB सही है या जल गया, लेकिन नहीं खोलेंगे अब, क्योंकि ये 5-star AC है और किसी किसी 5-star AC पर 5-5 साल का वारंटी दिया रहता है PCB का, इसीलिए हम इसको नहीं खोलेंगे। कंप्लेन जो है लॉगिन करवा देते हैं सर्विस सेंटर में, ठीक है, कंपनी में, तो सर्विस सेंटर का जो ऑथराइज पर्सन है, ऑथराइज बंदा है, वो आकर के अपने से खोलेगा, तो हम ये खोल पोल नहीं कर रहे हैं, वही अपना आकर के चेक करेगा, हो सकता है
पीसीबी उड़ा हुआ है क्योंकि वायर तो ठीक ठाक है, पीसीबी में प्रॉब्लम होगा। अगर वारंटी में होगा तो फ्री में चेंज कर देगा फिर इसको, काहे के लिए हम फालतू में हाथ लगाएंगे।